जो लोग क्या दिख सोचते रहा हैं, है जो ये? सोचते हैं ना कि जूस की दुकान में क्या बेनिफिट है, उनके लिए देख लो भाई, ये मेन मार्केट में जूस की दुकान है। और नियर अबाउट इसका कितना किराया होगा? होगा 20-25 हज़ार। हाँ, 25-30 हज़ार के पास इसका किराया होगा, तो भाई कितने कमा रहे होंगे? हाँ मेरे भाई, भाई बच्चे क्या करेंगे बताओ यार। तो हेलो दोस्तों, मैं इस टाइम यमुनानगर शहर में हूँ, तो ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ मैं जो यमुनानगर में कहते हैं कुछ देखने के लिए नहीं है। तो यहाँ बहुत कुछ है देखने के लिए, और छोटा सा सिटी ज़रूर है लेकिन यहाँ बहुत कुछ है देखने के लिए। तो मैं आज आपको, वैसे शाम के 6:30 बज चुके हैं, तो 6:30 बजे मैं आपको यमुनानगर शाम को ही घूमने का मज़ा है, तो मैं यहाँ का जो पोश एरिया सबसे पहले वो दिखाऊँगा, फिर जो यहाँ पर खाने का सबसे फेमस है, मतलब जो रेस्टोरेंट वगैरह होंगे, होटल्स वगैरह होंगे, या फिर जो यहाँ के फेमस प्लेस होंगे, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, तो मेरे साथ वीडियो के साथ बने रहें। मैं आपको यमुनानगर की हर वो चीज़ दिखा दूँगा जो यहाँ की फेमस है। तो चलते हैं अभी थोड़ी देर में, बस मेरा फ्रेंड एक आने वाला है, मैंने उसको कॉल किया है, उसकी वजह से ही काफ़ी लेट हो गया हूँ वैसे मैं, और मैं आपको दिखाता रहूँगा। वैसे अभी मैं रोड पर ही हूँ, ऑन द रोड ही हूँ, तो देखते हैं अभी किस टाइम आऊँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, तो यार वीडियो के साथ बने रहना और देखते रहना मेरा चैनल। ये देखो भाई, ये आ गया एक, जिसके जिसकी वजह से दोपहर से परेशान हो रहा हूँ भाई। हम यमुनानगर में घुस चुके हैं, यमुनानगर के पोश एरिया में, 17 सेक्टर में। कितना पैसा लगा देगा कोई घर पे? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, उस पर मेरे, मैं मतलब जो आइडिया है 10 करोड़ से ऊपर उस पर पैसा लगा होगा, कम से कम 10 करोड़ बोल रहा हूँ, वैसे तो ज़्यादा होगा उस पर। तो मैं आपको दिखाऊँगा वो, तो वीडियो देखते रहें, वीडियो के साथ बने रहें। तो भाई जिस कोठी के लिए मैं आपको कह रहा था, कोठी क्या यार, तो कोठा है, कोठा गाँव की भाषा में कोठा है पूरा भाई। मैं तो सिर्फ 10 करोड़ कह रहा था भाई, इसको 10 करोड़ नहीं भाई, ये तो कम से कम इस पर 30-40 करोड़ रुपया लग रहा होगा कम से कम है भाई। भाई देखो आप, हवेली है तो पूरी एक तरह से भाई, क्या क्वालिटी है भाई, गाड़ियाँ भी फॉर्चुनर खड़ी हुई है भाई। ये ना भाई डेली शाम को देखते थे हम भाई, वो क्या कोठी है यार, मतलब कि बस। और एक ये देखो भाई, इधर भी 10 करोड़ तो मैंने इसके इसके लग रहे होंगे, 10 करोड़ तो मैंने इसके बोल दिया था आपको कि 10 करोड़ इसके होंगे, 10 करोड़ तो इसके भाई। कोठियाँ देखो यहाँ की ज़बरदस्त, भाई मैं बताऊँ आप लोगों को, मैं कौन सा मकान खरीद सकते हैं हम बाद में भी यहाँ कभी जो सोचेंगे, पहले तो यहाँ दिख जाए जो सबसे लो क्वालिटी होगा ना यहाँ के। हाँ ये है भाई छोटा ये खरीद सकते हैं भाई, अब पब नहीं, वो भी कभी सोच सकते हैं खरीदने का, सिर्फ सोच है, खरीदना खरीदना तो बहुत दूर की बात है भाई। तो भाई अब यहाँ से निकलते हैं, 17 सेक्टर है, पोश एरिया है यमुनानगर का, यहाँ से निकलते हैं। अभी मैं आपको मॉडल टाउन ले जाऊँगा, फिर मॉडल टाउन में दिखाऊँगा क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह के मैं मतलब कौन कौन से शोरूम बने हुए हैं वहाँ, और क्या क्या क्वालिटी है वहाँ की, किस तरह मतलब खाने का वहाँ क्या कुछ है, तो वहीं जाके दिखाऊँगा यार, यहाँ से आपको नहीं बता पाऊँगा मैं। तो एक छोटी सी मार्केट है ये भी देख लो भाई, 17 सेक्टर की छोटी सी मार्केट है। ये गाड़ी वाले ने रोक लिया यार आपके, चलो भाई चल 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 चल, ये छोटी सी मार्केट है वैसे। लो दोस्तों, बस पहुँच चुके हैं हम मॉडल टाउन की मेन मार्केट में, तो यहाँ से अपने भाई शोरूम स्टार्ट हो जाते हैं सारे, लिवाइस वगैरह, कोप वगैरह। और इधर आओगे, कैप्शन भी है यहाँ, कैप्शन मैं अभी आपको दिखाऊंगा आगे चल के कि कैप्शन कहाँ पड़ता है। तो यहाँ से भाई सारे शोरूम है यहाँ, और ये बीबा भी है यहाँ, सारे तकरीबन बढ़िया एरिया है यार, मतलब बहुत अच्छा एरिया। मोची भी है यहाँ, बताओ साथ में रिबॉक की आउटलेट है इस साइड, रेड जीप का है यहाँ पर, ये जेके रेजिडेंसी है भाई, इसके साथ में जो ICICI की ब्रांच है, पहले मैं ICICI में जॉब करता था, पर इस वाली ब्रांच में नहीं, उधर दूसरी साइड ब्रांच है तो वहाँ करता था। तो भाई ये ज्वेलर्स है, अशोक ज्वेलर्स, और ये दावत प्लाजा है भाई, ये रेड टेप की आउटलेट है भाई। ये कैप्शन आ गया, ये जैक एंड जोन्स का भी है यहाँ, कैप्शन भी है साथ में। ये कैप्शन मैं बता दूँ, ये आगे साइड में आपको नज़र आ रहा होगा जिधर गाड़ी जा रही है, ये इधर मेन कन्हैया चौक पड़ता है, कन्हैया चौक से आगे सीधे बस स्टैंड निकल जाते हैं, और उसके बैक साइड में आपका कोर्ट आ जाएगा, कोर्ट से जगाधरी, जगाधरी से सीधा रोड चला जाएगा अम्बाला रोड, और एक रोड चला जाएगा पोंटे साहिब वाली साइड। तो भाई ये डोमिनोज है यहाँ,
तो ये जूडियो भाई, इसकी मैंने पहले ही वीडियो बना के एक अलग से डाली हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप सभी को। अलग से वीडियो बनाई, ये मॉल है भाई, सुविधा मॉल। इसमें मैंने भाई अपने बेटे के लिए लेके गया था मैं इसमें से, ये बहुत महंगा है यार, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। इसमें मैं 3200 का अपने बेटे के लिए ब्लेज़र लेके गया था, जिसमें उसने जीन्स दी थी 700 की, और भाई लगा लो आप जीन्स थी 700 की, और मेरे ख्याल से 500 का इसमें वो टी शर्ट वगैरह थी। वही बहुत महंगा, बहुत कॉस्टली था, पर लेनी कॉस्टली ज़रूर है लेकिन क्वालिटी भी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है सुविधा की। तो भाई ये सबसे पुराने शोरूम यही है यहाँ के, ये नेहरू पार्क पड़ता है इधर, ये मेन एरिया है मॉडल टाउन का, ये मतलब सबसे पहले शोरूम यही थे यहाँ। ये देख लो आप भाई, नाम जितने पढ़े नहीं जाएंगे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये देखते रहो बस आप भाई सभी, ये एरिया सारा इधर साइड में। तो यहाँ गुरुद्वारा भी है भाई यहाँ साथ में आगे, यहाँ करेंसी चेंज होती है, कौन सी? अच्छा। ये इधर नेहरू पार्क है भाई, ये मेन नेहरू पार्क है, इधर अंदर मतलब जाते हैं लोग जो यहाँ मतलब जिनके पास घूमने के लिए, अपने पास तो खेतों में बहुत एरिया भाई, ये तो यहाँ शहर में घूमने के लिए थोड़ा ही कोई यही एरिया मिलता, तो शाम को आ जाते हैं भाई उसमें। ये भाई एरिया आ गया, ये क्या है भाई, क्या है? ब्रेकिंग बैड। इसके अंदर क्या क्या कैफे हो रहा है भाई, ये देखिए भाई, भाई नया खुला, मतलब लोगों पे पैसों की कमी नहीं है यार, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं, देखिए भाई, वाह भाई वाह भाई। अल्ट्रासाउंड वाला देखो आप, अल्ट्रासाउंड वाले का हाल देखो, ये होटल को भी फेल कर रहे हैं, मैं तो अल्ट्रासाउंड सेंटर है। और भाई एक और दिखा देता हूँ आपको भाई, यहाँ एक तो ये है भाई इंडियन कैफ़े, आइसक्रीम ये साउथ इंडियन है, क्या नाम है इसका यार, नाम भी भूल जाते हैं पल्ला। और भाई यहाँ रोक देख तू भाई, ये दिखा देता हूँ आपको, ये भाई सस्ता नहीं है यमुनानगर, पिरामिड भी है यहाँ भाई, जो सोचते होंगे ना कि सस्ता है यमुनानगर, भाई देखो यहाँ पिरामिड भी है, आप जाने की तो सोच ही नहीं सकते भाई इसके अंदर, अपने कपड़े निकल जाएंगे हमारे, कच्चे कच्चे बेच जाएंगे हमें कपड़े जूते सब बिक जाएंगे अगर इसके अंदर चले गए तो। आप ये सड़क ही देखने वाले हैं भाई, सड़क ही देख सकते हैं, आप अंदर नहीं जा सकते इसके भाई। सामने ये सबसे पुराना गुरुद्वारा है यहाँ, सबसे पहले यही था, ये दुकानें उसके बाद आई हैं यहाँ, शोरूम वगैरह बाद में बन गए, संतपुरा गुरुद्वारा है। तो ये है भाई वाहेगुरु मेहर रखी आशीर्वाद देना, वाहेगुरु भाई, बहुत मान्यता है इसकी, बहुत लोग आते हैं इस पर यहाँ पर। ये थोड़ी मोबाइल की शॉप है छोटी छोटी, ये इधर कॉलेज वाली रोड होगी, इधर कॉलेज है, DAV कॉलेज है, GNG कॉलेज है, साइड मैं दिखा दूंगा आपको, ये रोड है भाई आपके DAV कॉलेज चला जाएगा, इधर GNG कॉलेज। तो भाई बस यहाँ से निकल गए मैम, आप जूस की दुकान देख रहे हैं कहीं, काफ़ी देर हो घूमते, अगर जूस वो दुकान बढ़िया देख लें कोई, और उस पर भाई फिर उस पर घूम, उस पर जूस वगैरह पी के फिर आगे वाली साइड निकल जाएंगे। तो ये वाली रोड जो मैं पीछे दिखा रहा था, रेलवे स्टेशन वाली साइड चली जाएगी, जो मेन रेलवे वर्कशॉप वाला रोड है, आपने सुना भी होगा अगर कोई बाहर गए यमुनानगर से, आउट ऑफ यमुनानगर कोई वीडियो देख रहा है इसको, तो उसके लिए है। जय गणपति, गणपति बप्पा मोरया पेडलर्स है, ये फैमिली रेस्टोरेंट है, ये भी कॉस्टली है पर ठीक है, इसके रीजनेबल से प्राइस है, ज़्यादा भी नहीं है पर है महंगा भाई, पर दोबारा घूम के वैसे हम इसी साइड आ गए। एक और खुल गया यार ये डब्ल्यू स्टेट, मतलब कैफ़ों की तो भरमार है यार, हर गली में 6 कैफे, हर गली में। तो भाई फाइनली जूस की दुकान मिल गई अपन को, ये सामने है अमन जूस कॉर्नर, इधर चाइनीज़ टॉनिक भी है, तो अपन भाई जाना है इसके पास, अमन जूस के पास, बस अभी जूस पीते हैं और जूस पी के फिर निकलेंगे बस आगे। कार भी खड़ी है भाई, देखो भाई हालात है, जो लोग सोचते हैं, जो सोचते हैं ना कि जूस की दुकान में क्या बेनिफिट है, उनके लिए देख लो भाई, ये मेन मार्केट में जूस की दुकान है, और नियर अबाउट इसका कितना किराया होगा, 25-30 हज़ार के पास इसका किराया होगा, तो भाई कितने कमा रहे होंगे। हाँ मेरे भाई, भाई बच्चे क्या करेंगे बताओ यार, चल यार इस भाई का भी दिल रख सकते हैं, ले लेते हैं ऐसे भी, कितने का भाई, चल दे दे। कहाँ से आता है? सहारनपुर से आते हो, ये देख लो भाई, ये सहारनपुर से आता है भाई अपना, और यहाँ ही यमुनानगर में ये बेचने।
भाई कैसे खुलाता है? कितने बिक जाते हैं दिन में? है? तो देखियो भाई ये किराया किराए पे आता होगा? दोनों साइड का पचपन एक साइड का पचपन, तो यार पचहत्तर क्या 110 रुपये तो किराया लग जाता है। भाई देख लो मतलब मेहनत करने वाले यार, यार हम लोग क्या मेहनत करते हैं यार, मेहनत जो लोग हैं यार सल्यूट है इन लोगों को यार, कितनी मेहनत करते हैं लोग, तो इनसे यार एक बार जरूर ले लिया करो, अगर ये कहते हैं तो जरूर ले लिया करो भाई, 10 रुपये अपना कुछ जाना नहीं और इनके बेचारों की कमाई जाती है, तो बस अपना जूस रेडी हो गया भाई से ले लेते हैं। ले भाई दे देख ले पकड़ ले भाई चले, ओके भैया चल जाएगा दूसरा तू कोई नहीं भाई। लो भाई जूस आ गया पी लो आप सभी, आप पियो यार पहले फिर हम पी लेंगे। वो जूस पी के भाई निकलते हैं यहाँ से, क्वालिटी तो बढ़िया लग रही है देखो भाई, भाई आइसक्रीम वगैरह डाल दी बंदे ने और स्ट्रो भी बढ़िया दे रखा, पता नहीं क्या क्या आइटम भाई। पहले मैं सोचता था मैं जूस की दुकान करूँ, मैं फिर मैंने सोचा मैं साले बेइज्जती करेंगे घर वाले कि जूस की दुकान करने लगा तू, और ये देख लो भाई मतलब यार मतलब खुद पे अपने कई बार अपने खुद के ऊपर ही गुस्सा आता है कि जो डिसीज़न हमने पहले ले लेना चाहिए तो वो नहीं लिए यार, हम ना शर्म करते हैं लोग, मतलब मैं अपनी इंटरनली बताता हूँ मैं वैसे शर्म नहीं करता, लेकिन घर वाले ने मना कर दिया था तो फिर बंदा कर नहीं पाता वो चीज़ के लिए ना, यार इतने पैसे थे ऐसी दुकान तो करना बहुत जोर की बात, आप तो रेडी लगा सकते थे, रेडी लगाने के लिए बस वही है यार, गट्स नहीं आए इतने ना अपने आपने हिम्मत करी। MBA चाय वाले को ही देख लो आप लोग, एक वो भी ठेला लगाता, ठेला लगाने से कहाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तो भाई मतलब सही है यार, मतलब बढ़िया है यार। तो भाई जूस पी लें, जूस पी के फिर चलते हैं आगे। ये भाई मेहंदी रत्ता मोबाइल वाला है, यहाँ से भी लिया था भाई कभी का फ़ोन, पहले लिया था बहुत पुराना फ़ोन लिया था पहले सैमसंग का, अब तो भाई रेडमी वाला चला रखा, रेडमी वाले से वीडियो बना रहा हूँ, आंटी देख रहे हैं कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं भाई अपनी किस्मत के साथ रात को, और क्या यही हो रहा है। तो दोस्तों बस अपना काम हो गया आज, आज थोड़ा जितना घूमना जितना घूम सकते हैं उतना घूम लिए, तो जूस भी पी लिया था भाई, जूस की क्वालिटी मैं बताता हूँ, जूस की क्वालिटी इतनी नहीं थी यार, इतने 30 रुपये जो रेडी में मिल जाता है ना बाहर उससे बढ़िया क्वालिटी, आइसक्रीम डाल के आइसक्रीम की थर्ड क्वालिटी थी, सबसे बढ़िया यहाँ सैगल जूस कॉर्नर, सैगल जूस कॉर्नर की अगर दोबारा मुझे कभी टाइम मिला तो उसकी स्पेशली वीडियो बनाऊंगा भाई, इतने तो बादाम डालता उसके बीच में, बादाम काजू ड्राई फ्रूट्स वगैरह इतने सारे डालता पूरे, और क्वालिटी यार क्या मस्त क्वालिटी है, 70 रुपीज़ का वो गिलास देता है लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है भाई। ये मेरा फ्रेंड है इसके साथ, ये इसकी वजह से ही भाई सक्सेस हो चुका है, ये काम सक्सेसफुल हुआ है जो ब्लॉगिंग का है, ये बाइक चला रहा था ये अपनी स्प्लेंडर अपने वाली ये खड़ी हुई है भाई, ये खड़ी हुई है, तो अभी भाई मैं इसको लेके घर जाऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, तो मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।